ये जो कैथल में कार्रवाई हुई है, एक सिख नौजवान को भट्टों से मारा गया है, ये असल में बीजेपी की जो नफरत फैलाने का तरीका है उसका फलस्वरूप है। इसलिए मैं लोगों को अपील करता हूँ कि पंजाब में किसी तरह की आपसी लड़ाई नहीं है। जो कंगना रनौत ने बयान दिया है कि यहाँ सिख खालिस्तानी है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सद्भावना है, यहाँ प्यार है आपस में, कभी पंजाब में हिंदू सिख की लड़ाई नहीं हुई है। इसलिए मैं सूबे के बाहर जो लोग हैं उनको भी अपील करता हूँ कि शांति बना के रखें, ऐसी कार्रवाई ना करें, और जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके ऊपर कार्रवाई हो, मैं ऐसी मांग करता हूँ। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि बीजेपी की नफरत की राजनीति है जो, इसको जिस तरीके से देश में इस बार पीछे किया गया है, इसको पीछे धकेलें, और प्यार आना चाहिए आगे, और आपस में प्यार रखना चाहिए। ये जो हमले हो रहे हैं, ये कंगना ने जो बयान दिया है कि यहाँ खालिस्तानी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नफरत फैला रहे हैं लोग, इसको समझना चाहिए, आपस में प्यार रखना चाहिए। ऐसा है कि मैं फिर कहता हूँ कि जो भी ऐसे हमले होते हैं उनका इंटेलिजेंस को देखना चाहिए, वो कौन लोग हैं जो हमले करते हैं, उनको पकड़कर मारना चाहिए। और सरकार आज बीजेपी के पास है, पहले भी बीजेपी के साथ पास थी, ऐसे हमले क्यों होते हैं उनको रोकना चाहिए, और जो भी ऐसा हमला करने वाला है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अरे पता तो चले ना, अगर उनका है तो उनको जवाब दो, जो जो भी करता है, ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। क्यों होते हैं ऐसे, इंटेलिजेंस को पहले से क्यों नहीं पता चलता, वो कौन बंदे, उनकी शनाख्त करके उनको पकड़ कर क्यों नहीं अंदर दिया जाता। और मैं कहता हूं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई हो, जिसके जो भी जिम्मेवार है हमारे लोगों को मारने के लिए, उनको वैसा ही जवाब मिलना चाहिए। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖਬਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਈ ਪੇਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮਸਲੇ, ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰ।